हमारे किसी परिजन का असामयिक निधन हो जाने पर संभव है उसकी आत्मा इसी ब्रह्मांड में भटक रही होगी। उसकी आत्मा के उद्धार के लिए हमारे द्वारा करने योग्य कोई उपाय हो तो बताने का कष्ट करें। हमें सबसे पहले अपनी मदद करने की कला सीखनी चाहिए। हमें सबसे पहले स्वयं को स्वस्थ रहने की कला सीखनी चाहिए। हम स्वयं ही तरह तरह के उपद्रव, अशांति, तनाव और पीड़ा से घिरे हुए हैं। हम दूसरे के लिए क्या कर सकते? तुम दूसरे की मदद करने जाओगे, दूसरे को और चोट पहुंचाओगे। कहते हैं चार शराबी शराब खाने से निकलते और थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका एक मित्र जो बहुत पहले से शराब खाने में था, थोड़ा देर पहले और बहुत देर तक शराब पीता रहा, ज़्यादा पी गया था। उसने सोचा देर हो रही है, निकल पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा पी गया था कि सड़क पर कहीं गिर गया, सड़क के किनारे घायल कहीं पड़ा था नाली के किनारे। चारों मित्रों ने देखा कि ये तो अपना साथी है पुराना, और उन्होंने कहा इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी हेल्प की जाए, इसकी मदद की जाए और इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तुरंत उन्होंने किसी तरीके से इंतज़ाम किया कैसे पहुंचाया जाए इसको। उन्होंने कहीं से दो डंडे ले आए और कहीं से चादर ली और उसका स्ट्रेचर बनाया और उस पर उसको रख लिया, और चारों लोग कंधे से उठा के चल रहे, लेकिन वो भी शराब पिए, वो कहीं एक लड़खड़ा के गिरा, चारों के चारों गिर पड़े, फिर किसी तरह से बांधा, फिर चले, फिर थोड़ी दूर गए, फिर गिर पड़े। पहले बार गिरे तो उसकी एक टांग टूटी, दूसरी बार गिरे तो उसके कंधे फ्रैक्चर हो गया, फिर किसी तरीके से लपेटा कपड़ा, फिर लेकर के चले, फिर रास्ते में गिर पड़े। अस्पताल पर पहुंचने के पहले देखते हैं कि उसके शरीर में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि इसको तो तुरंत एडमिट करना पड़ेगा, उसके शरीर में तो फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर, पूरा शरीर फ्रैक्चर था, लेकिन वो जो चारों थे उन चारों के शरीर में भी फ्रैक्चर। किसी की टांग टूटी, किसी का कंधा टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। अब बड़ी मुसीबत हो गई, उस बेचारे का तो सारे शरीर में प्लास्टर लगा। अगले दिन सारे परिवार के लोग, सभी संबंधी लोग उसको देखने आए। लोगों ने पूछा तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हुआ, चारों तरफ तो प्लास्टर बंधा हुआ था। किसी तरफ से आँख खोली और थोड़ा मुंह खोल के बोलने की चेष्टा की, ये उन लोगों के कारण हुआ, मेरे दोस्तों के कारण, जिन्होंने मेरी सहायता करने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे सुख पहुंचाने की कोशिश की। और इससे ज़्यादा मत पूछो, क्योंकि जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जबड़ों में बहुत दर्द होता है। तो अंधे अंधे ठेलिया पड़ियों को परंत, पहले अपने को ठीक करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जिसके लिए सोच भी लोगे उसको भी सुख मिल जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।